कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी जो है सुबह के 11:41 हुआ है, 11:41 हुआ है। आज हम अपना ब्लॉग अब शूट कर रहे हैं। तो गाइस हम आज सुबह सुबह एक मोटे वाली शॉपिंग करके आ चुके हैं। जो हमारी शॉपिंग है वो क्या है, वो ये है। ये मशीन हम लेके आए हैं अभी सुबह लेके आए हैं। जो ये मशीन है ये हमें पड़ी है 25,000 की। अब आप सोच रहे होंगे ये मशीन है क्या। तो गाइस ये सेब के लिए गड्ढे करती है। ये मशीन सेब लगता है उसके लिए गड्ढा करना पड़ता है, वो ये मशीन काम करती है। मैं आपको खड़े करके बताता हूँ। ये मशीन जो है इस तरह की है, ये देखो इतनी मशीन की हाइट है, ये इस तरह से काम करने वाली है। तो गाइस ये जो मशीन है ये इस तरह से काम करती है, ये राउंड घूमेगी। अभी आपको बताएंगे किस तरह से घूमती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से स्टार्ट होती है। तो हम ये लेके आए हैं। अनबॉक्सिंग तो इसकी पहले कर चुके हैं क्योंकि हमें ये डाउट था यदि हम अनबॉक्सिंग इसे घर में करते तो हमें पता नहीं लगना ताकि इसमें किस तरह। आप ये देख सकते हो इसमें कितने सारे नट बोल्ट है। ये जो ये नट है ये हमें बहुत दिक्कत करेंगे अगर यदि हम घर में करते इसे। तो हमने इसको एक बार टेस्ट करके वहीं से लेके आए कि ये किस तरह से काम करती है। बाकी इसको यूज़ हम अपने बगीचे में करेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह की जो ये सेब की मशीन है, ये जो देखने में कुछ इस तरह की है। ये हमें अभी सुबह सुबह हम चले गए 8 बजे लेके आए। 25,000 की है ये, साथ में 5 लीटर पेट्रोल भी लेके आए तो ये 500 एक्स्ट्रा हो गया, 25,500 हाफ हो गया। जो इसका बॉक्स था उसे नहीं लेके आए, बस इसके कुछ सामान लेके आए जो इसमें पड़ता है, जैसे कि ये तेल भी, ये भी इसी के अंदर पड़ेगा। इसको ट्यूटोरियल बोलते हैं। और ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन की बुक और टूल किट है जो भी इसी के साथ मिलती है। और एक इसमें एक बॉटल भी मिली है जो इसके लिए एक आइडियाज़ होता है तेल का कि कितना लीटर तेल डालना और किस तरह से डालना है। तो ये हम इसी तरह से लेके आ गए थे, इसको बाइक में लेके आए। अभी हेलमेट भी नहीं खोला है तो सीधा ये इसको आपको एक रिव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह की है। बाकी इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करके इसको बताएंगे ये किस तरह की मशीन है, किस तरह से काम करती है, कितना गड्ढा करती है। तो अभी बाकी देखते हैं, फिर बने रहो ब्लॉग के साथ। जिसने ब्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा वहाँ हमें फॉलो करो। बाकी इन्जॉय करो हमारे ब्लॉग को। मिलते हैं आपके साथ अभी बगीचे में। वो साइड को हमारा बगीचा है, उधर के लिए हमारा बगीचा है और ये बगीचे वाला घर है। बाकी अभी चलते हैं फिर बगीचे में, फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो गाइस हेलमेट उतार लेते हैं क्योंकि हेलमेट सुबह से कर चलाया है तो फिर बाल भी खराब हुए। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने बगीचे में जहाँ पे हम लगाएंगे सेब के पौधे। वो पीछे मशीन भी रख दी है। तो गाइस ये नया वाला बगीचा की प्लांटेशन होगी अभी, इसमें करेंगे हम पूरा प्लांटेशन करेंगे। इसमें मैक्सिमम 2000 के अराउंड पौधे लगाए जाएंगे सेब के। तो ये वाला हम पैक करेंगे। इसमें लास्ट ईयर जो है मशीन से ये प्लेन किया था, जब ये मशीन से प्लेन किया था तो इसमें फिर रेस्ट दिया था 1 साल का। अभी वो 1 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं और इसको रेस्ट दिए हुए। तो अब हम इसमें जो है अपने गड्ढे करेंगे और इसी साल जो है सेब के लिए सेब के पौधे भी इसमें डाल देंगे ताकि वो फिर अपना कुछ सालों में फसल देना भी तैयार कर ले। तो गाइज इधर हमने मशीन रख दी है, इधर इसके साथ की जो टूल किट और तेल भी हम लेके आ चुके हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं भाई का, वो भी आ रहे हैं, पापा जी भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो फिर करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस तरह से अपना स्टार्ट होएगा। ये अपना बगीचा है, यहाँ से कुछ लोकेशन इस तरह से आती है। वो सामने आप देख रहे होंगे कि वो बगीचे जो वाइट वाइट जो पहाड़ियाँ हैं अपनी किन्नौर की है। ये जो ये पहाड़ियाँ ना, ये किन्नौर वाली पहाड़ियाँ हैं। तो इधर अभी भी जो है पूरी तरह से बर्फ़ दिखाई दे रही है आपको, इधर भी, इधर शिकारी की साइड भी है, सामने हर एक जगह के लिए बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ से कुछ इस तरह की लोकेशन है अपने बगीचा जो इधर है। और जो वो पहले वाला दूसरा प्लॉट है वो पाली साइड है, वो सोर है। ये अपना बगीचा लगा रहे, ये अपने बाकी पौधे हैं इधर, जिसमें हमने अभी पौधे लगवा भी लिए हैं। बाकी कुछ लगवाएंगे अब वो अगले साल लगाएंगे, पहले इस साल जो इसी वाले बगीचे में जो पौधे करेंगे। बाकी आपको दिखाते हैं अभी किस तरह से ये मशीन जो है अपना वर्क करती है। तो गाइस ये अभी इसमें तेल डाल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा तेल कम है, अभी तेल डालेंगे। और यहाँ पे भाई पहुँच गए, पापा ही पहुँच गए, अभी तेल डालेंगे
इस तरह से इसमें यहाँ से यहाँ इसमें तेल पड़ता है। इसकी जो टंकी लगी हुई है वो 1 लीटर से तो क्रॉस ही है, 1.5 लीटर भी हो सकती है इसकी टंकी। और ये इस तरह से इसकी पुर्जे भी खोल लेते हैं। ये टूटी ऑयल है, ये भी पड़ता है इसमें ताकि इंजन की सेफ्टी रहे, इसे इंजन जो है सेफ रहता है। तो भाई ये स्टार्ट हो रही है अभी, स्टार्ट कर देते इसको। तो भाई ये स्टार्ट हो चुकी है इस तरह से, अभी ये देखिए इस तरह से स्टार्ट हो चुकी है। अभी चेक करेंगे इसको किस तरह से लगेगी। गाइस ये हमने देखो आज गड्ढे किए अभी मशीन से, ये देखिए बहुत ही तगड़ी तरीके से अंदर जाती है ये मशीन। इसमें जो 1 घंटे में इसने 70 गड्ढे किए, बहुत ही फास्ट काम करती है गाइस। ये देखो उधर से यहाँ से वहाँ वो खेत आ गए तक इसमें गड्ढे गड्ढे कर दिए। अभी आज हम थक गए, इसमें बुरे हाल भी हो जाते हैं। तो गाइस जो ये हमारा देखो गड्ढा बन गया है, अभी इसमें हम सेब के पौधे किस तरह से लगाएंगे। अब जो पहले ये मिट्टी को बाहर निकाल दिया जाएगा, मिट्टी बाहर आ जाएगी, उसके बाद जो इसमें पेड़ लेके आएंगे, सेब का पौधा लेके आएंगे और इसको उस पौधे को जो इसमें डाल देंगे, फिर थोड़ा सा इसमें खाद गोबर जो भी रहेगा इसका वो डाल दिया जाएगा, फिर इसको पैक कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें ऊपर से अच्छे से इसको पैक किया जाएगा और इसके राउंड में जो है एक बाहर से इसके लिए एक और ज़्यादा खुदाई होगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे हमारी खाद गोबर होगा वो उसके राउंड में डाल दिया जाएगा। ये सभी गड्ढों में होगा, जितने भी गड्ढे हम आज आपको वो तो बता नहीं पाए कि किस तरह से हमने वो बोरिंग की है गड्ढों की, क्योंकि आज हमने खुद हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसको चलाने का, तो हमें उतना आइडिया खुद नहीं था कि उसको चलाता किस तरह से। तो आज तो हमने बुरे हाल हो गए। ये देखिए गाइस, ये देखिए किस तरह के छाले फट गए, ये देखिए मतलब आज तो इतना हो गया कि छाले फट गए। और अभी हम कल हम जैसे करेंगे कल हम आपको दिखाएंगे कि वो काम जो एक्चुअली करती किस तरह से। आज हम उतना क्लियर आपको नहीं बता पाए क्योंकि आज खुद ही काम किया है, तो आज बहुत थक गए, अब बहुत बुरे हाल हो गए। तो अभी हम कल बताएंगे, अभी एक खेत हुआ है हमारा आज कंप्लीट, तो अब हम कल करेंगे। इस तरह के गड्ढे होते हैं इसमें, जो भी ये गड्ढे हैं ये 1 घंटे में 70 क्रॉस गड्ढे कर गई ये मशीन, क्योंकि इसमें थकते बहुत है। 5 मिनट में ये 15-15 गड्ढे 20 गड्ढे कर लेती है आराम से। डिपेंड करता है आपके पास मिट्टी कौन सी है, यदि आपके पास पथरीली मिट्टी हो अंदर जमीन में पत्थर हो तो वो काम वहाँ पे कम करती है। यदि आपके पास सॉफ्ट मिट्टी हो, जैसे कि साइड हमारे थी पथरीली वाली मिट्टी और उधर थी हमारी सॉफ्ट मिट्टी, तो सॉफ्ट मिट्टी में इसने फास्ट काम किया है और जो पथरीली मिट्टी है वहाँ पे थोड़ा सा कम काम किया है, बट उतना नहीं किया जितना वो उस साइड को कर गई। और वो शायद मैक्सिमम उसने 1 घंटे में 1 लीटर या 1.5 लीटर भी तेल नहीं खाया है उसने, पिया है उसने मशीन ने। तो एक बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी देखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको इसमें किस तरह से प्रॉपर हम आपको बताएंगे। जब इसमें पौधा भी डालेंगे तभी आपको दिखाया जाएगा और आपको फसल आने तक इसमें इसी बगीचे की आपको वीडियो टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए यदि किसी को सेब की प्लांटेशन सीखनी है, किस तरह से सेब लगाए जाते हैं, किस तरह से सेब का एक प्रॉपर उसका देखभाल की जाती है। हमारे यहाँ कहावत है कि सेब के पौधे को 5 साल तक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। तो यदि किसी को सेब लगाना है, सेब के लिए नॉलेज चाहिए, सेब किस तरह से करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच पाए और हम आपको ताकि बताते रहे जो भी है। ये गड्ढे हो गए, ये हो गए, बहुत सारे गड्ढे किए हमने पूरे खेत में आगे तक, हमने गड्ढे गड्ढे कर दिए आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी गड्ढे करने में मस्त आएगा मज़ा, 2000 पौधा लगेगा यहाँ पे, ट्रीज होएंगे एप्पल के, और बाकी के हम नेक्स्ट दूसरी ओर करेंगे। हमारे पास 2 प्लॉट है तो कोई इशू नहीं है, मस्त करेंगे काम एकदम से। बाकी भी जो ये आज का हमारा डे देखो ख़त्म हो चुका है, हमने जो इसमें काम किया था वो काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था सुबह के टाइम, और ये ब्लॉग भी आज काफ़ी लेट शूट हुआ है अराउंड 11 के आसपास। अभी देख सकते हो आप जो टाइम हुआ है यहाँ पे 5:08 हो गए, शाम के 5:08 हो गए। अभी हमें जाना है वापस घर, अभी बाइक में जाएंगे घर। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कर लेना, बाकी शेयर भी कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो। बाकी आपको हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ जाएगी। अभी एप्पल के बगीचे में हम मस्त वाले, अभी इसको प्रॉपर दिखाएंगे आपको, लोगों के भी आसपास में बगीचे हैं, ये बगीचे वाली वैली है, तो कोई इशू नहीं है, आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच।